नमस्कार, द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो उसका पहला एपिसोड आया, उसका रिव्यू लेकर हाजिर हूं मैं फिर से। पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है कि सबसे बेस्ट म्यूजिक, अब तक का सबसे बेस्ट म्यूजिक कौन सी फिल्म का है। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका क्लू दूंगा, तब तक अगर आपको आ रहा हो आंसर तो आंसर करो कमेंट में। शनिवार की रात जब पूरा हफ्ता निकल जाता है ना कम्प्लीट, तो काम करते करते इंसान थक जाता है, तो उस काम की थकान को मिटाने के लिए उसे कुछ जो मतलब खुशनुमा पल चाहिए होते हैं, मनोरंजन चाहिए होता है, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पब्लिक के लिए कि वो एक कॉमेडी शो देख लें, उनकी हफ्ते भर की थकान जो है ना वो दूर हो जाएगी। कपिल का शो टोटल 192 देशों में टेलीकास्ट होता है, उसकी जो रीच है ना, जो पहुंच है वो बहुत दांसु है, और इंडिया में तो कहना ही क्या, कपिल की मतलब फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, वो मतलब सुपरस्टार की तरह है यहाँ पे तो। लेकिन ये जो लेटेस्ट शो आया है ना, इसमें मतलब दम है कि नहीं, ये देखने लायक है कि नहीं, ये इस वीडियो में देखेंगे। नेटफ्लिक्स की एक पुरानी आदत है, एक बढ़िया वेब सीरीज लाएगा, बढ़िया फिल्म लाएगा, उसके बाद अगली दो या तीन फिल्में जो लाता है ना, या सीरीज जो लाता है दो तीन अगली, उनमें पब्लिक को वो ऐसे उल्लू बनाता है, प्रीमियम का पैसा, रिचार्ज का पैसा पूरा वसूल कर लेता है, या कपिल की भाषा में कहे ना तो बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा देता है। नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके चैनल पर्दे के पीछे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो करना, कपिल का कहना है कि ये जो शो है ना नेटफ्लिक्स वाला, ये वाला मतलब पूरा पारिवारिक शो है, फैमिली शो, इसे बच्चे भी देख सकते हैं। लेकिन उधर नेटफ्लिक्स बोल रहा है कि 13 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना वो इसे नहीं देख सकते, फिर ये फैमिली शो कैसे रहा, मतलब प्रमोशन के लिए कुछ भी। ये नेटफ्लिक्स है भाई, ये कुछ भी कर सकता है। जब से इंट्रोड्यूस हुआ तब से लेके अब तक इसने मतलब अतरंगी डिसीजन लिए, अभी तक LGBTQ जो कम्युनिटी है ना उसका भी सपोर्ट ले लिया शो में, ताकि सिंपैथी मिल पाए, थोड़ा बहुत पब्लिक का सपोर्ट बन जाए, उनकी जो शो की जो गुडविल है वो थोड़ी अच्छी हो जाए। शो में जो अर्चना पूरन सिंह है ना, वो एक कोने में बैठ के मुस्कुराती रहती है, बस उनका वही काम है पूरे शो में, वो एक कोने में बैठी रही बस। मेकर्स ने उनसे एक लाइन नहीं बुलवाई पूरे शो में। कपिल की जो वाइफ है गिन्नी, वो भी है, कपिल की जो भाभी है वो भी दिखाई देती है, और माँ तो उनकी जो कपिल की जो माँ है वो तो वैसे भी हर एपिसोड में दिखती है ही, पूरा परिवार इकट्ठा कर लिया इसमें। लेकिन शो का सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन था ना, वो था सुनील ग्रोवर की वापसी, ये वो वापस आ रहे हैं, उनकी एंट्री अब कैसी रहेगी। और सुनील की एंट्री होती है तब तक तो शो ठीक ठाक चला, फिर रणबीर कपूर की एंट्री होती है, उनकी फैमिली आती है पूरी, वो शो में जैसे ही आते हैं ना, उनका जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है ना, उसके बाद में शो मतलब एकदम से धड़ाम हो जाता है, पूरा गुड़ गोबर हो जाता है। अब मजे की बात यह है कि लीड राइटर, उसके बाद सीनियर राइटर, उसके बाद में राइटर्स, और उसके बाद में आते हैं सबसे नीचे असिस्टेंट राइटर्स, इनमें टोटल मिला के 10 लोगों ने शो लिखा है पहला एपिसोड, उसके बाद भी ये हाल है। रणबीर कपूर की मम्मी जो है नीतू कपूर, वो भी आई, वो बताती हैं कि ऋषि कपूर ने लाइफ में कभी किसी से मतलब ऊंची आवाज में बात नहीं करी, और यही संस्कार मतलब रणबीर कपूर में भी है। लेकिन 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 अभी रणबीर कुछ अलग ही सुनाने लगते हैं, ऋषि कपूर ने एक बार एक राइटर को गुस्से में मतलब अपनी गाड़ी से कार से उतार दिया था, या वो एक और इंसिडेंट सुनाते हैं कि उन्हें पहली बार टपली तब पड़ी थी पापा से, जब वो मतलब आरके स्टूडियो था राज कपूर साहब का, उसमें चप्पल पहन के एंट्री मार गए थे। ये दोनों की बातों में एक कॉन्ट्राडिक्शन सा दिखता है, ये बातचीत जब तक चलती ना तब तक लगता है कि चलो ये देख लेते हैं, झेल लेते हैं, कुछ बड़ा होगा आगे जाके। लेकिन तभी समझ में आता है कि जो जितना भी मसाला था ना शो का, वो ये कपूर खानदान की बकवास में निपट गया सारा, अब कुछ नहीं बचा। वही पब्लिक को गुस्सा आता है, यार ये सब देखने थोड़ी ना हम आए थे, कीकू शारदा आते हैं चले जाते हैं अपना एक्ट करके, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनील की एंट्री को लेके बहुत एक्साइटेड थे लोग, लेकिन उनकी एंट्री बेकार निकली, और एंट्री से ज्यादा बेकार थी उनकी स्क्रिप्ट, जो उनका एक्ट था वो और भी ज्यादा बेकार था। कपिल ने जो एनिमल मूवी थी ना उसकी सक्सेस की बहुत तारीफ की, और उसकी जो सक्सेस हुई थी ना उसका पूरा का पूरा सेहरा रणबीर कपूर के सर पे बांध दिया, पूरा क्रेडिट उन्होंने रणबीर कपूर को दे दिया, और रणबीर भी मतलब मजे ले लेके सब सुनते रहे ना। उन्होंने जो अपनी टीम थी उसको धन्यवाद बोला, उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया, खुद डायरेक्टर साहब जो थे संदीप रेड्डी वांगा, उनका भी बेचारे का मतलब क्रेडिट देना तो दूर की बात है, उनका नाम तक नहीं लिया एक भी बार। उससे भी ज्यादा घटिया लगता है जब मतलब उसी एनिमल का जो सीन था ना, उसमें बॉबी देओल थे, उनकी कॉपी कृष्णा अभिषेक करते हैं, उनके एक्ट में वो जब तक कृष्णा साइलेंट रहते ना तब तक तो फिर भी ठीक लगता है, जैसे ही उनको डायलॉग मिलते हैं, जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करते हैं, पूरा शो एकदम से ढेर हो जाता है, सारा इंटरेस्ट वहीं खत्म हो जाता है। यकीन मानो अगर रिव्यू ना करें ना तो हम खुद ही नहीं देखें उसे। तो भाई अगर शो का आगाज ही अच्छा नहीं हुआ तो फिर अंजाम की तो क्या ही बात करें। फिर मेरी तरफ से शो को 5 में से 2 स्टार, मेरे हिसाब से तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा, देखने लायक मुझे तो नहीं लगा। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, कौन सी फिल्म है अब तक की जिसमें सबसे बेस्ट म्यूजिक है। इसमें जो मैं आपको क्लू दे देता हूँ, इसके हीरो रणबीर कपूर थे। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर डालो। तो करना, धन्यवाद।